सबसे पहले यहाँ उपस्थित वैदिक गणित के प्रेमी उन सभी को नमस्कार। और आज जो विषय हम लोग करने जा रहे हैं वो निर्भर करता है हमारी मनन शक्ति के ऊपर। कोई व्यक्ति कितना अभ्यास कर सकता है, कितना मनन कर सकता है, कितना चिंतन कर सकता है। काफी समय से वैदिक गणित के ऊपर काम चल रहा है हमारे भारत में भी। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी के बाद कुछ समय तक इसको सजीव रखने की कोशिश की गई विभिन्न सरकारों द्वारा, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था बनी कि हम खुद ही इसको धीरे धीरे भूलना शुरू करें। उसके पीछे कई रीजन है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको प्रोडक्टिव नहीं बनाया गया, इकोनॉमिक वैल्यू से नहीं जोड़ा गया, इसको पढ़ के क्या होगा, ऐसा मतलब जो है फीलिंग है। इसके विषय में छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जब हम लोग 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किए तो बच्चा एडमिशन 30 स्टूडेंट वहाँ बहुत मुश्किल से हम लोगों ने इकट्ठा किया और शुरू हो पाया जब फर्स्ट कोर्स। तो पहली क्लास में बच्चा उठा और पहले ही प्रश्न किया, सर इसको पढ़ के क्या होगा। तो मैं उनको ये बताया कि इसको पढ़ने से इकोनॉमिकली आपको अभी कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर पढ़ना है तो आपका स्वागत है। तो करीब 2-3 बच्चे फिर भी जाते रहे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे वहां टिके रहे। और जो वर्तमान स्थिति है उसमें नेक्स्ट सेशन में 36 हम लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से अलॉट हुआ था डिपार्टमेंट को, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को, जिसमें लगभग 350 रजिस्ट्रेशन आए,
30 स्टूडेंट थे, और तब हम पहुंच गए इस पोजीशन में कि हम सेलेक्ट करके स्टूडेंट को ले सकते हैं कि कौन, तो उसका फिर क्राइटेरिया बाद। तो यानी एक सेशन जब बीता और नेक्स्ट सेशन में ही इतनी ज्यादा जो है आ गई बच्चों के अंदर, और उस समय भी तब हमने उस 6 मंथ कोर्स को चेंज कर दिया डिप्लोमा कोर्स, 1 ईयर डिप्लोमा 2 सेमेस्टर का बना। तो इस तरह से चीजें जो है, और आज जैसा कि मैं देख रहा हूं हमारे बीच में जो है एक हमारी सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट है रेवा नानचहल जी, अभी करंट जो सेशन बीत रहा है इसमें हमारी सर्टिफिकेट कोर्स की स्टूडेंट है और CCSU से, और इस साल जो है इनका, और इस समय में जितना डेडिकेशन वैदिक गणित के प्रति है, हर आदमी का अपना एक अलग सोच होता है कि हम क्यों पढ़े वैदिक गणित, लेकिन जो डेडिकेशन है, इनको पता चला कि PGDAV कॉलेज में वैदिक गणित का जो है तो चल रहा है, इनके घर के पास में इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि सर कोई इंफॉर्मेशन है तो दीजिए, तो मैं इनको पैम्पलेट भेज दिया यहाँ पे, और ये तो आपके बीच में। तो इस तरह की बहुत सारी जो वहां, और आप समझे 30 स्टूडेंट में लगभग 80% स्टूडेंट मैथमेटिक्स MSc, और उसमें से भी 50% स्टूडेंट मैथमेटिक्स विद PhD। हमारे जो 30 स्टूडेंट का जो बैच है उसकी विशेषता है, और वो सारे बच्चे वहां से सीख रहे हैं। तो वैदिक गणित की एक जो है अपनी, और सर ने कुछ दिखाया आपको छोटे मोटे, तो कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि एक मैजिक की तरह काम करता है, ऐसा है। तो मैजिक हम उसको तभी कहते हैं जब तक कि हम वैदिक गणित जानते हैं। जिस दिन हम वैदिक गणित को समझना शुरू कर देते हैं तो वैदिक गणित रियल में ये गणित है, ये बात हमें समझ में आने लगती है, नॉट मैजिक। सर ने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2, 4, 5 मेथड। एक्चुअल में अभी हमने एक रिसर्च पेपर इस पर डाला था, करीब 9 to 10 मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे आर्यभट्ट से लेकर के और वर्तमान स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी तक ग्रंथों में जहां कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हुआ है उन सब पर एक रिसर्च पेपर अभी लिखा था। तो बहुत सारी चीजें हैं समझने की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि एक मेथड ही सफिशियंट है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हमें बांध दिया है कि यही चीज आपको पढ़ना है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, चॉइस नहीं है। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स ऑप्शन देता है, अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 10 से 15 मेथड है आपके पास स्क्वायर निकालने, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर, हर मेथड कुछ कंडीशनल है और कुछ जनरल मेथड है, तो आप किसी को भी अप्लाई कर सकते। और आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम सीधा उस पर आ जाते हैं, बुधायन नंबर। बुधायन नंबर जो टॉपिक है ये बुधायन सूत्र के एक श्लोक मात्र। अभी हमने चर्चा किया कि हमारे कुछ वर्तमान में वैदिक गणित के ज्ञानी हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, और अब तक जितना काम हुआ है एक श्लोक के ऊपर, यानी एक श्लोक कहते हैं कि एक श्लोक को समझने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, तो कुछ लोगों की मेहनत और थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन वो आपके सामने मैं बुधायन नंबर पर रखने की कोशिश करता हूं, अपने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा जी, उनका भी ये काम है और इसमें थोड़ा बहुत मेरा योगदान है, ऐसा मतलब इसको आप समझ सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि वैदिक शब्द के ऊपर बहुत आजकल विवाद होता है कि वैदिक है क्या, और जब से मोदी जी ने जो भाषण में वैदिक गणित की तारीफ कर दी ना, अब दुनिया पीछे पड़ी है ये साबित करने में वैदिक गणित इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स। ये आजकल एक टर्म बहुत ज्यादा अब चलना शुरू हो गया है,
जो नए एक्सपर्ट्स की जो आजकल वो आए हैं, उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि वैदिक मैथमेटिक्स जस्ट अ पार्ट ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स। बट वी कैन से द होल मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, ऐसा भी तो हम कह सकते हैं। तो इसके लिए कई सारे तर्क हैं, बहुत सारी चीजों को हमने सामने रखा है। हालांकि उसका एक क्रोनोलॉजी भी हमने सेट किया है वैदिक गणित के ऊपर, लेकिन उसमें जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन एक छोटा सा एक श्लोक के माध्यम से हम इसको आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वैदिक शब्द में हम किन चीजों को समाहित करते हैं। जैसे एक श्लोक है, चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषत्दा रामायणम भारतम च गीता सद्दर्शनी च जैन गम मातृपिटक गुरु ग्रंथ शतांगिरा ऐसा ज्ञान निधि श्रेष्ठ प्रदेव। यानी इसको अगर हम पॉइंट में देखें तो चार वेद, और वेद कहा तो उसके उपवेद और ये सब चीजें उसमें शामिल हो जाती। 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत, जैन और बुद्ध लिटरेचर, और उसके साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब, इनको हम वैदिक साहित्य कहते हैं। और इनसे इनमें जहां कहीं भी गणित है और उन सभी गणित को समाहित करके अगर देखा जाए तो वो सब चीज शामिल हो जाता है जो प्राचीन गणित में आता है। और उन सब के लिए स्वामी जी ने मात्र 16 सूत्र दिए। वर्तमान या उस समय के जितने भी गणित हैं वो सब उस 16 सूत्र से हल किए। यानी स्वामी जी ने एक सार तत्व हमें बताया, सार तत्व दे दिया। अब हम लोगों का ये काम है, जितने भी गणित के पुरोधा वर्तमान में हैं उन सब का दायित्व तो है कि उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि जो हमने कोशिश किया तो एक एक सूत्र के कम से कम 100 से 150 एप्लीकेशन तक जो है धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और भी अगर चाहे तो इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ काम हम लोगों ने किया है, कुछ हमारे जो मित्रगण है जो इस पर शोध कार्य कर रहे हैं उसके लिए है, और कुछ आने वाली भविष्य पीढ़ी के लिए भी वो समाहित है, क्योंकि इसमें सतत योगदान की आवश्यकता है, इसको और ज्यादा समृद्ध करने की आवश्यकता है। और थोड़ा सा आप जो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज तक आपने जितनी भी गणित पढ़ी है वो सब के सब हमारे प्राचीन गणित की ही ट्रांसलेट दिया हुआ है, चाहे वो फॉर्मेट इक्वेशन हो, बेसिक इक्वेशन हो, बायनोमियल थ्योरम हो, कुछ भी हो, कहीं से भी आप उठा ले, वो सब उनके जन्म से पहले से हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद बोधायन नंबर और इसकी एप्लीकेशन के बाद थोड़ी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि आजकल का बच्चा जो है ना बिना लाभ का कोई चीज करता नहीं है, वो आजकल मतलब बिजनेस माइंडेड दुनिया हो गई है, तो जब तक प्रॉफिट ना दिखे तो वो कुछ करता नहीं। तो थोड़ा सा उनकी प्रॉफिट के लिए भी हमने एक दो पॉइंट रखा है इसमें। अब कॉम्पिटिटिव अप्रोच देखेंगे, ये सारे कॉम्पिटिशन है, लगभग इसमें सारे कॉम्पिटिशन का नाम मैंने कोशिश किया है लिखने का, बाकी एक दो अगर छूटे होंगे तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। ये सारे हैं, और ये सारे कॉम्पिटिशन में लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर सबको निकाला जाए तो 28% के आसपास, किसी में 2-4% ज्यादा, किसी कंपटीशन में 2-4% कम, यही जो है मैथमेटिक्स होता है। इतना क्या है कि करंट अफेयर्स हो या फैक्ट्स हो कोई आदमी याद कर सकता है, तो वो जो है हर बच्चा कर सकता है, उतना तो वो सब बच्चा करेगा। लॉजिक इज डिपेंड अपॉन योर एनवायरमेंट और समथिंग एल्स, और लॉजिक को भी ये इनहेंस करता है हमारी वैदिक मैथमेटिक्स, खैर उस पर तो अलग है। लेकिन ये मैथमेटिक्स जो है 28-30% की मैथमेटिक्स जो होती है, ये आपका जो है गेम चेंजर हर कंपटीशन में होता है। जो बच्चा यहां से स्कोर कर लेता है वो आगे के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो है आपका कंप्लीट है। यहां पर फिर तीन भाग में आता है मैथमेटिक्स को, अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स के करते हैं तो जैसा कि अलजेब्रा में सर ने दिखाया इसका अर्थमेटिक पार्ट, और कभी सर ने जो बोला ए से लेकर के तक ये जो अल्फाबेट सर ने लिख दिया और उसका
स्क्वायर आपको डुप्लेक्स के माध्यम से बता दिया, एक बार एबीसीडी की जगह 11 नंबर डाल दीजिए और फिर देखिए उतने बड़े नंबर का स्क्वायर आपके सामने आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं और उसकी विशेषता है कि उसको एड सम करने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू पोजिशन आप नंबर पुट अप कर दे, वो स्क्वायर ऑटोमेटिकली निकल के सामने, वो आपको करने की जरूरत है। तो अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री तीन सेगमेंट में किसी भी कंपटीशन के, लेकिन ज्यादातर जो कंपटीशन होता है लोअर ग्रेड के उसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा, अर्थमेटिक पर ज्यादा फोकस है। खैर, लेकिन हम ज्योमेट्री की भी चर्चा करते हैं और हर कंपटीशन की जो मेन पॉइंट होता है टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी, इनके साथ ही हमें चलना होता है। जो जितना फास्ट एक्यूरेट कर पाएगा विद इन टाइम वही ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो हमारी वैदिक मैथमेटिक्स एक इस चीज में भी अप्रोच करती है कि किसी भी क्वेश्चन को विद इन 15 to 30 seconds, कुछ क्वेश्चन तो 5 to 7 seconds में ही सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन को तो देखते ही आप सॉल्व कर देते हैं, सीधा आंसर ही शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आप 15 to 30 seconds में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए भी चीजें जो है आपके सामने होती है। अब कुछ हमने यहां एनडीए 2021 के क्वेश्चन रखे हैं जो आते हैं, और इन सब चीजों, ये सब जो है लगभग हमने एक ही टॉपिक से लिया है, ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ लिया है। और किस प्रकार से हम इसको, वैदिक मैथमेटिक्स इसको क्या दे सकता है इन क्वेश्चंस को, और हम कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर भी हम धीरे धीरे सोचने का प्रयास करें। उसके बाद बोधायन नंबर के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, अभी तक जितना काम हुआ है उसके अनुसार अगर देखें तो सर्कुलर फंक्शन, या उसको आप लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, लेकिन हम सर्कुलर फंक्शन में भी उसको बोल सकते हैं। जब हम पढ़ाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, तो आप समझेंगे कि क्यों हम इसको सर्कुलर फंक्शन कह रहे हैं। उसके बाद है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इससे हम कर सकते हैं बहुत आराम से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D और 3D दोनों काम कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी इस पर काम कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, वेक्टर अलजेब्रा, इन सब चीजों पर बोधायन नंबर के थ्रू हम काम कर सकते हैं। कुछ काम हो चुके हैं, कुछ काम धीरे धीरे चल रहे हैं, और कुछ अपने एक्सपर्ट कुछ पर काम चल भी रहा है, और हमारे दिल्ली में भी कुछ है ऐसे कार्यकर्ता जो इस पर कुछ रिसर्च पेपर पर भी काम चल रहा है। और ये सब बोधायन नंबर के अंदर में ही है, और भी कई पार्ट हैं वैदिक गणित के जिस पर की रिसर्च वर्क पर काम चल रहा है। अब थोड़ा टाइम लगेगा क्या?
तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि बोधायन नंबर का यूज करके ये सारे टॉपिक्स हम मैथमेटिक्स के सॉल्व कर सकते हैं और इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना काम अभी तक हुआ है और इस पर और भी काम शोध कार्य जारी है। जैसे जैसे इस पर काम आगे बढ़ता जाएगा ये लिस्ट लंबी होती चली जाएगी। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, महर्षि बोधायन का एक श्लोक ऊपर के जितने भी टॉपिक हैं उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत बना। दीर्घ चतुरस अक्षन रजु पार्श्वमानी त्रंगमानी च यत् पृथक् भूते कुरुदश उभयं करो। दीर्घ चतुरस मतलब रेक्टेंगल, पार्श्वमानी लंब, त्रिंगमानी आधार, और ये जो जितना भी दोनों का स्क्वायर हर अक्षन्य रज्जु के स्क्वायर के बराबर, यानी यही चीज इस रेक्टेंगल में से एक अपर साइड के ट्रायंगल को आप हटा दें तो इसको पाइथागोरस थ्योरम आप कहते हैं। तो यही है बेसिक जो है उनका फंडामेंटल से, और इसमें फाइव स्टेप्स हैं बोधायन नंबर के, और इस फाइव स्टेप को समझाने में एक से डेढ़ घंटा समय लगता है अगर हम शॉर्टली समझाएं तो। हालांकि हर टॉपिक के ऊपर के एप्लीकेशन को समझाएं तो हमने 30 आवर्स का कोर्स इसमें डिजाइन कर रखा है सिर्फ बोधायन नंबर के ऊपर, लेकिन ऐसे एक से डेढ़ घंटे में इस फाइव स्टेप्स को समझा जा सकता है, और उस फाइव स्टेप्स को समझने के बाद वो ऊपर जो हमने टॉपिक जितने बोले थे ये सारे टॉपिक को सॉल्व किया जा सकता है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 1000-1500 के आसपास फॉर्मूले होते हैं, उस पूरे फॉर्मूले को हम इस फाइव स्टेप के थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ये फाइव स्टेप जो है ऐसा नहीं है आप जितना जानते हैं उससे ज्यादा भी आपको करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप में से मैं कहूं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप सब बता दें, जब 3 थीटा का बोलूं तो कुछ लोग हिचकेंगे लेकिन कुछ लोग बता देंगे, लेकिन जो ही हम 3 थीटा से ऊपर 4 थीटा और 5 थीटा पर जाएंगे तो शायद आपके फिर बस की बात नहीं, लेकिन ये बोधायन नंबर उसे भी एप्लीकेबल करके देगा। उसी प्रकार साइन थीटा बाई 2 की बात करते हैं, अगर हम थीटा बाई 4 की बात कर दें तो फिर सब, लेकिन ये उसको भी करके देगा। मतलब बोधायन नंबर की लिमिट जो है, मैं कहा कि आपके मनन चिंतन पर डिपेंड करता है कि आप उसके विषय में कितना सोचते हैं और कितना ज्यादा उसको अप्लाई करते हैं अपने रूप में वैदिक मैथमेटिक्स में, लेकिन हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस थोड़ी सी उसको रखेंगे। अब देखें जैसा कि यहां हमने एक ट्रायंगल दिया था, इस ट्रायंगल में जब चर्चा की थी आपके लिए तो आप देखें एक ट्रायंगल जब हम किए तो एक एंगल ही अल्फा है ए बी एंड सी, इस एंगल को अगर हम अल्फा मानते हैं तो इसके लिए बेस को अगर बी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो रिलेशन है वो रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब एच है बेसिकली हमारे जो गणितज्ञ हैं भारतीय गणितज्ञ उन्होंने साइन कॉस की ज्यादा चर्चा, टैन की जो है बातें ना कम होती है, क्योंकि पर बेस और परपेंडिकुलर दो टर्म जो है वो क्या है, दो ही टर्म है, और तीसरा टर्म एच हाइपोटेनियस जो है वो डिपेंड करता है बेस और परपेंडिकुलर के ऊपर। तो हम
कॉस और साइन की ही बातें होती है ज्यादातर, और हाइपोटेनियस तो उसमें से फाइंड आउट कर। उसके बाद सबसे पहला चीज अगर हम देखें तो ये एंगल अल्फा के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस। अगर हम मान लेते हैं कि इस एंगल के लिए, अब इसी का ये पहला जो आपका स्टेप है यही आधार बना है, ये हम चर्चा करेंगे इसकी आगे कि ये दो स्टेप जो है फर्स्ट टू और 90 माइनस अल्फा, इन्हीं दो स्टेप को आप पहले देखें कि ये दो स्टेप कहता क्या है। तो जब हम यहां पर एंगल सी के लिए ऊपर हो गया और ए के लिए अगर जाएं तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब ये दो स्टेप को थोड़ा सा हम ध्यान दें तो आप इसको समझ पाएंगे। अब देखें यहां पर आपको सब दिखेगा इस सर्कल के अंदर, ये कॉर्ड है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस और यहां पर करें तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा और यहां पर एंगल हो जाएगा थीटा बाई टू, ये आपको दिख रहा है। अच्छा, साइन कॉस जो हो गया बी बाई एच और टेन यहां हो गया पी अपॉन बी, क्योंकि ये 90 डिग्री फिर हो जाएगा, टेंजेंट जो होता है रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो ये जो है आपका टेन भी दिख जाए और ये दिखता है यहां, तो सर्कुलर फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सोच सकते हैं। अब पहले एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप की जब हम बातें करते हैं तो फर्स्ट स्टेप को समझने की जो है चीजें हैं। अब बी पी और एच है और इसका रिलेशन आपको यहां पर लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच। अब इस सब टर्म को हम एच से डिवाइड कर दें और ये काम हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कर सकते हैं, खैर अभी तो यहां करें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, b अपॉन एच का स्क्वायर p अपॉन एच का स्क्वायर इक्वल टू वन। इसको आप कर लें, कौन सा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, बिल्कुल सही। अब इसी को b से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा वन प्लस पी अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन बी का स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, पी अपॉन बी वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एच अपॉन बी सेक स्क्वायर अल्फा। उसके बाद अगर इसको अगर हम पी से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा यहां पर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये आपके जो है कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाते हैं। अब ये यानी तीन फॉर्मूला जो है आपका सीधा सीधा आ जाता है। अब अल्फा के लिए अब यहां देखें बी बाई एच कॉस अल्फा, कॉस अल्फा के लिए आपके पास क्या हो गया, और साइन अल्फा उसके बाद। अब 90 माइनस क्योंकि
आप फिगर में देखें, जब 90 माइनस थीटा की बात करें तो हाइपोटेनियस रिमेन द सेम, परपेंडिकुलर एंड द बेस इज चेंज। सिमिलरली यहां पर आ जाता है, अब कॉस 90 माइनस अल्फा करें तो क्या हो जाए, पी अपॉन, और साइन 90 माइनस अल्फा करें तो हो जाएगा। अब आप देखें साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू, और यानी पूरी टेंथ अंडर टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री बस इसी दो स्टेप में है। हम ये दो स्टेप अगर बच्चे को समझा दें, पूरी अंडर टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई, इससे आगे उसमें कुछ है ही नहीं। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल में आप देखें, नेगेटिव एंगल में परपेंडिकुलर जो हो जाता है वो माइनस पी हो जाता है, बेस एज इट इज पॉजिटिव रहता है यानी माइनस थीटा यहां, ठीक है। और फिर ये आपके पास बेस माइनस पी और हाइपोटेनियस रिमाइंडर से। उसके बाद अब आता है थीटा बाई टू, तो थीटा बाई टू को अगर हम देखें तो आप समझ सकते हैं कि थीटा बाई टू क्या कहता है। ऊपर जो हमने बनाया है यहां देखें, थीटा बाई टू के लिए ये पूरा ट्रायंगल हो गया, यानी पहले जो बेस था उसमें एक एच यानी हाइपोटेनियस या फिर रेडियस और ऐड हो जाता, तो इसका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा बी प्लस एच परपेंडिकुलर, और इसका हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये थीटा बाई टू आपके पास निकल गया यानी अल्फा को हाफ किया तो अल्फा बाई टू निकल गया, उसको और हाफ कर दीजिए, और हाफ कर दीजिए, अल्फा बाई एट निकल जाएगा। अब फिर ये रूल फॉलो कर, क्लियर, ये माइंड में सेट हो गई बातें। तभी मैंने चर्चा किया था कि साइन थीटा बाई टू की चर्चा करते हैं, साइन थीटा बाई फोर्स थीटा बाई एट कहीं भी हम लेके जा सकते हैं, बोधायन नंबर हर जगह एप्लीकेबल होता है। उसके बाद ये हमने थोड़ा सा और इसका यूज और भी एक हम कर सकते हैं, जैसे आप देखें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, थोड़ा सा एंगल पर भी इसको हम काम कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी 60 डिग्री, इसको मान लीजिए एक साइड 2 लिया जाए तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, और 4 और 2 हो जाएगा तो ये रूट 3 हो जाएगा। यानी आपके पास यानी 60 डिग्री के लिए बेस आ गया 1, परपेंडिकुलर हो गया रूट 3, और हाइपोटेनियस हो गया 2, ये आपके सामने। अब इसमें साइन 60, कॉस 60, टैन 60 जो भी निकालना है आप बना लीजिए, और थीटा बाई टू पर इसको डालिए यानी 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। अगर 60 बाई टू पर डालेंगे तो 30 डिग्री निकल के आना चाहिए, एक बार जरा करके देखिए तो क्या आता है। यह आ जाएगा रूट 3, 1 और 2, एक बार चेक करके देखिएगा आता है कि नहीं। बेसिकली
जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर 2√3 आ जाएगा, यहां √3 आ जाएगा और यहां 3 आ जाएगा, जिसमें √3 कॉमन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया। अब इसको 90, एक तो 60 डिग्री से हाफ करके हमने 30 डिग्री बनाया, ठीक है। अब इस ट्रेंगल में अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से भी देख लीजिए, हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट एक वे से अगर जो 30 की वैल्यू आई, दूसरे रास्ते से भी अगर 30 की वैल्यू वही आती है, तो मैंने पहले चर्चा किया कि यहां देखें अगर 60 डिग्री की वैल्यू पे बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाए, तो यहां देखें बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो रहा है, यानी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री में भी, 60 डिग्री में भी है, एप्लीकेबल चल रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं और इससे आप 30 डिग्री आ गया तो 60 डिग्री और 30 डिग्री आ गया तो अब जो जरूरत पड़ेगी वो हमने यहां 4 स्टेप की चर्चा कर रखा है इस स्लाइड में। पहले तो एंगल के बोधायन नंबर, दूसरा स्टेप है कॉम्प्लीमेंट एंगल के बोधायन नंबर, तीसरा स्टेप है नेगेटिव एंगल के बोधायन नंबर और चौथा स्टेप है हाफ ऑफ द एंगल, हाफ एंगल के बोधायन। ये 4 स्टेप हमने यहां कवर अप कर लिए हैं और यही 4 स्टेप आपको ये अभी समझने हैं। और जो 5वां स्टेप है वो है सम एंड डिफरेंस ऑफ बोधायन। सम और डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ बोधायन नंबर, यानी अल्फा प्लस माइनस बीटा। ये आते ही आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देखे। अब जैसे अल्फा और बीटा लेते हैं तो अल्फा के लिए B1, P1 और H1 ले लिया जाए, बीटा के लिए B2, P2 और H2 ले, ठीक है। उसके बाद जब अल्फा प्लस बीटा करना है तो देखें वैदिक गणित का एक इसमें सूत्र यहां यूज होगा, वो होगा, अभी पीछे सर ने भी उस सूत्र की चर्चा की है, ऊर्ध्व तिर्यग्धाम, यानी वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। दिखेगा आपको कि वर्टिकली और क्रॉस वाइज कहां हो रहा है। पहले देखें अल्फा प्लस बीटा करना है तो पहले ऊर्ध्व इन दोनों को मल्टीप्लाई, B2 B1 नीचे लिखा हुआ भी है, B2 B1 माइनस P2 P1। अगर प्लस हो रहा है तो पहले माइनस करेंगे, अगर माइनस हो रहा है तो पहले प्लस करेंगे। तो ये हो गया ऊर्ध्व वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद तो B2 B1 माइनस P2 P1 ये वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन, तो इससे आपको बेस निकल के आ जाए। और अब लेंगे क्रॉस वाइज B2 P1 और P2 B1, यानी इसमें प्लस करें। तो अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा प्लस माइनस बीटा को यही करना है कि प्लस के लिए पहले माइनस बाद में प्लस, और माइनस के लिए पहले प्लस और बाद में माइनस। तो ये थोड़ा सा बस इतना ही इसमें कंप्लीट करना है और सम ऑफ द बोधायन नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें हम कोई क्वेश्चन ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे एक मान लीजिए नंबर है, एक अल्फा है, उसकी बोधायन नंबर है 5, 12, 13।
और एक नंबर बीटा है जिसका है 3, 4 और 5। अब इसकी रेशियो में भी हम जा सकते हैं, इसके एंगल में भी हम जा सकते हैं। अब जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री का आपको बोधायन नंबर मैंने दिया है, उन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 30 डिग्री आना चाहिए। उन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसको हाफ करेंगे तो क्या होगा, 45 डिग्री। 60 डिग्री और 45 डिग्री को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 105। माइनस कर देंगे तो 15 डिग्री। 15 डिग्री का हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7.5 डिग्री। आप देखें कितने कॉम्बिनेशन पे बोधायन नंबर काम कर सकता है। और आप थोड़ा और भी ज्यादा सोच सकते हैं जितना कि आप ये तो हमने सिर्फ एंगल की बात की। अब इसमें देखें कि जो लिखा हुआ है, ये हमने H1 H2 को सुविधा के लिए 1 मान लिया, मतलब यूनिट रेडियस के अंदर, यूनिट सर्कुलर रेडियस सर्कुलर के अंदर इन सब चीजों को मान लिया, तो हाइपोटेनियस इसका 1 हो जाए अगर बाय चांस, तो इसमें करना थोड़ा सा आसान था। तो B2B1 - P2P1 इसको लीजिए, और B2P1 - P2B1 इस तरह से इन चीजों को लेते हैं अगर, तो आप देखें वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा आपके सामने है। अब इसमें कोई ऐसी चीज है जो प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए। और ये एक एग्जाम्पल हमने दिया है उस बोधायन नंबर से निकाल करके। तो जैसा कि चर्चा आपको है कि जब साइन लेना है तो कोटि वाले को लेंगे परपेंडिकुलर, कॉस लेना है तो भुज यानी बेस वाले को लेंगे, और टैन लेना है तो दोनों को डिवाइड कर देंगे साइन अपॉन कॉस, और हमारी चीजें सामने आ जाएगी। तो साइन के लिए हमने कोटि को लिया यानी B2P1 + P2B1। अब अल्फा के लिए आपको पता है B1 = B2 = इस तरह से, जैसे ये जो अल्फा B1 जो है तो cos अल्फा, और P1 sin अल्फा, B2 cos बीटा, और ये sin बीटा, इस तरह से अरेंजमेंट इसका बन जाता है। और फिर इसको आप पुटअप कर दें यहां पर, आपका फॉर्मूला बन के तैयार। सिर्फ सम एंड डिफरेंस, ये जो स्टेप 5.1 सम, 5.2 जो है डिफरेंस, फिफ्थ स्टेप में दो पार्ट सम एंड डिफरेंस। तो इसको अब साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टेन, जितना आपको जो 6:6 रेशियो है इन सब के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। इवन इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा अब जैसे मान लीजिए कि अल्फा है, अल्फा में अल्फा प्लस कर दें तो 2 अल्फा आपको मिल जाता है, तो उसका बोधायन नंबर आपके स्लाइड पर है। अच्छा 2 अल्फा में फिर अल्फा ऐड कर दे, 3 अल्फा मिल जाए, तो उसका भी बोधायन नंबर आपके स्लाइड में है। अब ये काम आपका है कि उसमें एक और अल्फा आप जोड़े, 4 अल्फा 5 अल्फा। तो जब उसको ऐड करेंगे तो उसका जो बेस बनेगा वो cos 3 अल्फा cos 4 अल्फा cos 5 अल्फा cos 6 अल्फा cos n अल्फा के लिए भी एप्लीकेबल। और उसके बाद जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो साइन
साइन टू अल्फा, साइन थ्री अल्फा, साइन फोर अल्फा, साइन फाइव अल्फा, और साइन और कॉस मिल गया तो आप टेन में चले जाएंगे। कॉस एक सेक कॉस जहां जाना है आप मूव करिए फ्रीली। और ये जो टॉपिक होता था ना, जब हम आप सब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो सबसे हैक्टिक जो है मतलब यही था कि इनको याद कौन करेगा, इतना एक दो हो तो समझ में आता है, हजार हजार फॉर्मूला कौन याद करेगा। तो और अब हजार नहीं मात्र, और अब देखें ये सारे के सारे जो है ना दो ही स्टेप से रिलेशन कर रहे हैं, हाफ ऑफ द एंगल और दूसरा है सम एंड डिफरेंस ऑफ बोथ आयन नंबर, ये दो ही स्टेप से रिलेट कर रहे हैं। और ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन जो है आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें ये जो चीजें आपके सामने हैं, कॉस टू अल्फा, साइन टू अल्फा, एक दो का मैंने हाँ वो प्रोडक्ट हो जाएगा H1 into H2 हो जाएगा जब दो जब हो, ठीक है। हाँ उसके बाद तो यहां तक हमने इसको ला करके छोड़ दिया है। इसके बाद का जो चीज है आप इसको अप्लाई कर सकते। लास्ट स्लाइड में आपका बेस जो बनाया आपने टू अल्फा पे, तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर लास्ट स्लाइड, बी स्क्वायर माइनस लास्ट स्लाइड, सर वो मिस थोड़ा गलत, वो दोनों पी है, वो मिस मिस टाइपोग्राफी है, कोई बात बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सर अब ये सिखाया हो सकता है कई बार टाइपिंग अगर आ जाता है तो ये चीजें हैं। सर की नजरें बहुत बारीक है, छोटा सा मिस्टेक भी पकड़ लिया सर ने। खैर तो ये चीजें जो है, और अब यहां से हम इसको आगे भी ले जा सकते हैं जहां तक हमारी जो है वो जाती है। और थोड़ा सा इसमें हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और सारी चीजें हम कर सकते हैं बस, और कर रखा है, इस पर पूरी बुक तैयार है लगभग, अभी प्रिंट नहीं हुई है तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सोच रहा हूं कि थोड़ा सा और उसमें जोड़ दूं कुछ तब उसको जो है। अब हम एक दूसरा टॉपिक की तरफ चलते हैं, बोधायन नंबर। बोधायन नंबर का एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को अब जहां तक पता है आप लोगों को, जो चीज आप पढ़ रखे हैं हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको आप देखते रहे और समझ जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कंडीशन जहां से रियल रूट नहीं होता है वहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत, और यानी थर्ड कंडीशन जब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन द जीरो, इसके लिए भी आचार्य ब्रह्मगुप्त ने श्लोक दे रखा है, और उस श्लोक को अभी मैंने मेंशन नहीं किया है इसमें कि ये कंडीशन क्रिएट हो सकता है। यह हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा की ही देन है। इसमें जब हम नेगेटिव में आता है तो सिंपलेस्ट फॉर्मेशन आयोटा का फॉर्म होता है, रूट अंडर माइनस वन, वर्तमान में उसको आयोटा कहकर पुकारते हैं। इस टॉपिक की खासियत है कि जहां से शुरू करेंगे वहीं पर इसको खत्म करें, देखते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जो जिसमें आयोटा लगा होता है, यानी अगर रियल नहीं है तो समथिंग इमेजिनरी और अनरियल, तो जब
रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है विच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दो पार्ट होते हैं। बोधायन फॉर्म कैसे अप्लाई होता है, जहां पर आपका बेस है यानी एंगल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जहां पर आपका बेस है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर आपका परपेंडिकुलर है वहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और मॉडुलस के लिए तो बोधायन नंबर ऑलरेडी फिट बैठ रहा है, बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच निकालना है तो रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये बिल्कुल सेम एज इट इज बैठ रहा है। तो जब ये बैठ गया यहां पर तो अब इससे सब काम करवाएंगे, एडिशन भी कराएंगे, सब्ट्रैक्शन भी कराएंगे, बाकी सारे रूल को ये फॉलो करेगा जो हम पीछे 5 स्टेप कर रखे हैं, उसमें से कुछ एक स्टेप को हम देखेंगे। इक्वालिटी तो आपको पता ही है, ये कहने की जरूरत नहीं है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी में सेपरेटली अगर इक्वल हो तो वो उतना उसमें हम नहीं जाते हैं। एडिशन भी बहुत ईजी है, रियल टू रियल एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी। नाउ मॉडुलस भी हमने फर्स्ट स्टेप में ही चर्चा कर लिया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा सा यहां पर वैदिक मैथमेटिक्स का क्या जो यूज हो रहा है उसको हम देखें। अब देखें एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम प्रोडक्ट करते हैं Z1 × Z2, तो आप देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है, दूसरा p प्लस आयोटा क्यू, रियल पार्ट में दोनों का और इमेजिनरी पार्ट में। अगर इसे हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसके प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट होगा वो सम ऑफ द बोधायन नंबर के इक्वल, जो हम बोधायन नंबर का भी सम किए थे पीछे किया था ना, उसके इक्वल होगा। आप देखें वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन 11 × 2 = 22, 9 × 3 = 27 को माइनस कर क्या आ गया, उसके बाद जो इसका परपेंडिकुलर होगा यानी इमेजिनरी पार्ट होगा प्रोडक्ट का, वो परपेंडिकुलर ऑफ द सम ऑफ बोधायन नंबर यानी क्रॉस वन। एडिशन करना है तो इसमें 11 × 9 = 99 और प्लस 6 = 105, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा −5 + 105 आठ, प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर विद द यूज ऑफ सम ऑफ द एंगल ऑफ बोधायन नंबर, ठीक है, और डिफरेंस का भी यूज करेंगे। लेकिन कंजुगेट पहले इसको देख लिया है, वैदिक गणित का सूत्र परावर्त्य, हम वर्तमान गणित में जो भी पढ़ रहे हैं ये सब हमारे गणित में, वैदिक गणित में जिसको हम अनादिकाल से देखते आ रहे हैं उसमें ऑलरेडी समाहित है, और जिसका सार रूप में स्वामी जी ने हमारे सामने 16 सूत्र दिए है ना, तो पूरे गणित को 16 सूत्रों में कंपाइल कर दिया है। आपकी एबिलिटी, आपकी चिंतनशीलता पर डिपेंड करता है कि किस सूत्र का आप कितना ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है उसके बाद है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर देखें जब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं तो यहां डिफरेंस ऑफ बोधायन नंबर आपके सामने आ जाता है। तो डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के लिए जब हमने किया था तो डिफरेंस ऑफ बोधायन नंबर ये आपके सामने है। इसमें सिर्फ हमने क्या किया, मोड ऑफ जेड स्क्वायर को एक्स्ट्रा एडिशन में डिवाइड कर दिया, तो बाकी डिवीजन का भी फंक्शन यहां अल्फा
माइनस बीटा जो हमने किया था पीछे बताया नंबर में, वही जो है यहां यूज हो रहा है। इस पर हमने एक अलग से यहां देखें, पहले वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद इसका सब, उसके बाद क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस डी वाई माइनस क्यू एक्स अपॉन मोड ऑफ जेड जेड टू का स्क्वायर। और इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिख दिया, और फिर उसके बाद ये छोटा सा एग्जाम्पल आप उसके बाद आता है स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी को दो बार लिखते उसको स्क्वायर कर, तो यहां भी सम ऑफ द बोधाय नंबर का यूज होगा, जैसे टू थीटा का किए थे वैसे ही यहां भी हम कर लेंगे, है नहीं? सेम बोधाय नंबर ही यूज होता जाएगा कॉम्प्लेक्स का। और कहते हैं स्क्वायर के बाद थ्री करना है तो भी हो जाएगा, फोर करना है तो भी हो जाएगा, लेकिन वो चीजें थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो जब हमें टू से ज्यादा पावर चाहिए, थ्री चाहिए, फोर चाहिए, तो हम एक सेपरेट मेथड को यहां लॉन्च करेंगे जिसको कहते हैं मेरू प्रस्थान। एक अपनी अलग आइडेंटिटी रखता है मेरू प्रस्थान, खासियत है बाइनोमियल फंक्शन में इसका यूज होता है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, हमने टाइम फ्रेम यहां से हटा दिया है, टाइम फ्रेम में आजकल बहुत ज्यादा विवाद होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सारे महर्षि वहर्षि सब जो है सो आजादी के बाद आए हैं, और हम लोग ऐसे आदमी हैं जो कहते हैं कि सबसे पहले वही आए, तो इस बीच में ना रहने के लिए अभी टाइम फ्रेम को हटाया है, बाद में फिर ऐड करेंगे। बाइनोमियल फंक्शन की शुरुआत महर्षि पिंगल से होती है, जो मात्र मेरु नाम से उस समय, उसके बाद बराहमिहिर ने इस पर काम किया त्रिलोचतक प्रस्तार के नाम से, श्रीधर भास्कराचार्य बाद में मेरु प्रस्तार के नाम से इस पर जो है काम किया, और भी बहुत सारे इस पर गणितज्ञों की जो है अपनी अपनी वो है, लेकिन मैंने कुछ एक को जो है इसमें शामिल किया है। वहां जो फॉर्मेशन बनता है उसको अगर इंटरप्रेट करें तो इस पर, इसी पर जो है सर ने जैसा बताया कि डॉक्टर गजेंद्र जी जैन वाले जो कर रहे हैं महर्षि पिंगल के ऊपर, तो बाइनोमियल फंक्शन जहां पर जो है पूरी की पूरी न्यूमेरिकल कोड भी बाइनरी फंक्शन में लिखी हुई है 01, तो वही बाइनरी फंक्शन जो है यहाँ काम करता है। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण में जो है गुरु और लघु की जो चर्चा हुई है, आपकी जो देवनागरी की जो मात्रा है वो ह्रस्व और दीर्घ, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा जिसको आप कहते हैं हिंदी में, तो वो सब भी यहीं से आता है, यानी बाइनरी फंक्शन से ही पूरा का पूरा ऑपरेट होता है। तो उसको अगर बाइनरी फंक्शन की पावर जीरो हो तो वन, उसके बाद पावर वन हो तो वन वन टू टू, इस तरह से जो है चीजें आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन इसमें एक चीज आता है कि अगर फोर का हमें लिखना है तो थ्री का जानना जरूरी है, तब हम उससे फोर बनाते हैं। देखे वन प्लस थ्री इक्वल टू फोर, थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स, थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर, और इस तरह से करके आगे लास्ट में वन। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, इसके लिए एक सेपरेट मेथड भी है अलग से। आप देखें जैसे फाइव पावर का आपको कोफिशियंट लेना है, एक तो मेथड है कि आप कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड है ये, आप इसको वैदिक मेथड भी कह सकते हैं। इसमें देखिए जैसे यहां, जैसे पावर फाइव का आपको चाहिए, सपोज करें पावर फाइव का आपको चाहिए, तो देखें फाइव फोर थ्री टू वन रिवर्स काउंटिंग, और फिर इसको सीधा लिख दीजिए। अब यहां देखिए पहले पहला डिजिट वन लिया हमने, वन को इस फाइव से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले वन से डिवाइड कर दिया,
जो वैल्यू आया वो यहां, फिर आया फाइव, फाइव को यहां फोर से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले से डिवाइड कर दिया, एज इट इज आपका आ गया टेन। इस टेन को फिर थ्री से मल्टीप्लाई किया और इस थ्री से डिवाइड किया, वापिस टेन आ गया आपका। इस टेन को फिर टू से मल्टीप्लाई किया और फोर से नीचे डिवाइड कर दिया, आपका फाइव आ गया। इस फाइव को फिर वन से मल्टीप्लाई किया, फाइव से डिवाइड कर दिया नीचे, आपका वन। इस तरह से किसी भी नंबर का आप कोफिशिएंट, कोई भी पावर इंडेक्स हो, आप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और यहां कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने जो है पावर फाइव, यानी थ्री फोर फाइव स्क्वायर के लिए तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कर दिया, थ्री तक भी हम आ सकते हैं, लेकिन जब उससे ज्यादा हो तो फिर अलग सेपरेट एक चीज को देखना होता है, तो वो आपके सामने, जिसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यानी मेरु प्रस्तार के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस मेरु प्रस्तार का यूज आप अर्थमेटिक भी कर सकते हैं। अगर कोई नंबर दो डिजिट में है और थ्री डिजिट में बेस के आसपास, या बड़ी से बड़ी संख्या भी बेस के आसपास में है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं मेरु प्रस्तार को, कोई भी पावर फाइंड आउट कर। तो इस तरह से अर्थमेटिक और अलजेब्रा दोनों में इसको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। और इसकी खासियत क्या है कि हर प्लेस को आपको बाद में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लेस वाइज प्लेस आप नंबर रखते चले जाएं, आंसर एज इट इज आता चला जाएगा, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का झंझट ही खत्म हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा विनय कुलम में आंसर आ सकता है, तो बाद में उसको आप सुलझा लीजिए। उसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट करने में कम से कम 10 से 12 स्टेप लगते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और मात्र एक स्टेप में आपके सामने स्क्वायर रूट रखा गया है। करें और सीधा सिंगल स्टेप में आप स्क्वायर रूट दें। इसका एक एग्जांपल भी मैंने दिया है, ये इसका एग्जांपल है, जस्ट वन स्टेप में हम सीधा का सीधा अभी थोड़ा सा इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड देखें 10 से 12 स्टेप पूरा का पूरा लगता है इसमें। उसके बाद जो फाइनल जो हमारा है, मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जहां से शुरू करेंगे वहीं पर आकर के इसको खत्म करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक से शुरू किया था, क्वाड्रेटिक पर ही ये आ गया। इसमें तो आपको पता ही है कि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है तो हम क्वाड्रेटिक में इमेजिनरी फॉर्म करते हैं, एज इट इज आप देखें जैसा कि आया है। और सीधा आचार्य श्रीधराचार्य का सूत्र, इसको ब्रह्मगुप्त का भी सूत्र कह सकते हैं और भास्कराचार्य का भी सूत्र कहते हैं। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है, और अलग अलग मेथड से इन्होंने, टेंथ में जो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ते हैं वो भी हमारे भारतीय गणितज्ञों की देन है, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो पढ़ते हैं ये भी भारतीय गणितज्ञों की ही देन है, लेकिन टेंथ में बच्चों को बताते नहीं है कि ये ब्रह्मगुप्त ने दिया है या श्रीधराचार्य ने दिया है। वो थोड़ा सा हमारे जो गणितज्ञ हैं उनको कहने में शर्म आती है कि भारतीयों ने दिया है, लेकिन मैं खुल के बोलता हूं और आशा करता हूं कि धीरे धीरे अब ये चीजें आगे बढ़ेंगी। और बस तो लगभग ये है, बाकी आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि
और इसमें कई सारे अभी काम जो है चल ही रहे हैं, थोड़े से वर्क जो है सो, और कई शोधार्थी काम कर रहे हैं। सॉरी कंट्री यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी का स्टूडेंट ऑलरेडी इस पर डेडिकेटेड है, काम कर रहा है, और वैदिक गणित से ही उसको पीएचडी करने के लिए अनुमोदन ये लगभग उसको मिल भी गया है जगह से, और उसका लिस्टेड हो गया है अब जो है उसको। और मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है और ज्यादा से ज्यादा लोग रिसर्च वर्क में आए। आज जो वर्तमान गणित पढ़ते हैं ये मात्र 100-200 सालों की तपस्या है पाश्चात्य गणितज्ञों की, और पाश्चात्य गणितज्ञों से ज्यादा हम भारतीय गणितज्ञों की भी उसमें भी योगदान बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे पास जो विरासत है वो लगभग 12 से 15 हजार वर्षों का है, ऋग्वैदिक काल से लेकर के आज तक की विरासत। बीच में 500 साल को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां तक की विरासत है, उस पूरे पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब हम इसको ओवर करते हैं। थैंक यू टू ऑल।